हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वन प्लस मोबाइल में ऐप लॉक कैसे लगाएं, मतलब ऐप पर लॉक कैसे लगाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आप अपने वन प्लस मोबाइल का सेटिंग ओपन करिए और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और उसके बाद यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आप ऐप्स ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर नीचे में ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप इस पर क्लिक करके लगा सकते हैं। या यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, आपको अपने वन प्लस मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है, उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे करना और नीचे करना, उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी एंड पासवर्ड, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा या सिर्फ प्राइवेसी का ऑप्शन भी मिल सकता है। तो जो भी ऑप्शन है उस पर क्लिक करिए। मेरे में सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आएगा और उसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे करिए और नीचे करिए और नीचे करिए, तो यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो जहाँ भी ऐप लॉक का ऑप्शन मिलता है आप ऐप लॉक ऑप्शन पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे उसके बाद इस तरीके से आएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है सेट ए प्राइवेसी पासवर्ड फर्स्ट, तो उसके लिए आप यहाँ सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करिए और उसके बाद आप ऐप लॉक का पासवर्ड सेट करिए। यहाँ पर 6 डिजिट वाला पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर 6 डिजिट वाला पासवर्ड ऐप लॉक में लगाना है तो यहाँ पर 6 डिजिट डाल के सेट कर सकते हैं, या दूसरे तरह का ऐप लॉक में पासवर्ड रखना है तो उसके लिए यहाँ एक ऑप्शन है यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करेंगे तो इसमें कई ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ऐप लॉक में 4 डिजिट वाला रखना चाहते हैं या 6 डिजिट या 4 से 6 डिजिट या पैटर्न या अल्फा नॉमरिक, तो कैसा आपको ऐप लॉक का पासवर्ड में रखना है। जैसे मुझे पैटर्न वाला रखना है इसलिए मैं पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे उसके बाद सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जैसा भी पासवर्ड आपको ऐप लॉक में सेट करना है वो ड्रॉ कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे इस तरीके का सेट करना है तो मैं ड्रॉ कर लिया, फिर वही वाला दोबारा पासवर्ड डाल के आप कन्फर्म करिए तो मैं फिर दोबारा डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका आंसर आपको यहाँ पर सेट करना है ताकि आप ऐप लॉक का पासवर्ड भूल जाए, तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डाल के आप जो है वो ऐप लॉक का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है फॉर्मर टीचर नेम, आप चाहे तो इसमें दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन भी रख सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारा क्वेश्चन है, जैसे फेवरेट रेस्टोरेंट, नेम ऑफ योर हाई स्कूल, फादर नेम, मदर नेम, तो मैं फेवरेट रेस्टोरेंट सिक्योरिटी क्वेश्चन में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक किया और इसका आंसर मैं यहाँ पर डालता हूँ, अपना फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम मैं डालता हूँ कावेरी। तो जो भी आप डालेंगे वो याद रखिएगा ताकि आप लोग का पासवर्ड भूल जाए, तो आप इसकी मदद से आप रिकवर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फेवरेट रेस्टोरेंट का नाम डाल दिया कावेरी, और उसके बाद जिस तरीके से स्पेलिंग डालेंगे वो याद रखिएगा। और उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालने के बाद आप स्टिक आइकॉन पर क्लिक करिए और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो सारा ऐप दिखेगा। तो किस किस ऐप पर आपको ऐप लॉक लगाना है उसको आप यहाँ से ऑन कर दीजिए। जैसे मैं फेसबुक पर लगाना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से ऑन कर दिया, और मैं जीमेल पर भी लगाना चाहता हूँ तो इसको ऑन कर दिया, और मुझे व्हाट्सएप पर लगाना है तो मैं व्हाट्सएप को भी ऑन करता हूँ, और YouTube पर भी लगाना है तो YouTube को भी ऑन कर दिया। तो जिस जिस ऐप पर ऐप लॉक लगाना है उसके सामने वाले बटन को ऑन कर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं ये सब ऐप पर लगा दिया। अब मैं इस ऐप को खोलता हूँ, जैसे मैं YouTube पर लगाया था तो YouTube को खोलता हूँ तो देख सकते हैं नहीं खुल रहा है। तो जो भी आप लोग सेट किए हैं वो वाला डालेंगे, जैसे मैं इस तरीके का सेट किया था तो डाला, तो देख सकते हैं अब जो है वो YouTube यहाँ पर खुल गया। तो इस तरीके से आप जो है वो वन प्लस मोबाइल में ऐप लॉक लगा सकते हैं।